स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश, बीबीसी पड़ताल दुनिया की। आने वाले वक्त में क्वांटम कंप्यूटिंग दुनिया को और हमारी जिंदगी को प्रभावी तरीके से बदल सकती है। इस नई तकनीक के महत्व को समझते हुए बीते साल भारत सरकार ने इस तकनीक के विकास के लिए बजट में 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। भारत के अलावा दूसरे मुल्क भी भविष्य को नई दिशा देने वाली इस तकनीक में निवेश कर रहे हैं। अमेरिका की सरकार ने 2018 में नेशनल क्वांटम इनिशिएटिव कानून बनाया और इसके लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का प्रावधान किया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने 2016 में 13वीं पंचवर्षीय योजना में क्वांटम कम्युनिकेशंस को रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण उद्योगों में शामिल किया। ब्रिटेन ने 2013 में इसके लिए राष्ट्रीय रणनीति बनाई। 2016 में कनाडा ने इस तकनीक में 5 करोड़ कनाडाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, रूस, जापान और गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भी इस तकनीक में निवेश कर रही हैं। तो इस बार दुनिया जहान में हम पड़ताल कर रहे हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स क्या हैं और इसे बनाने के लिए मुल्कों में होड़ क्यों मची है। पार्ट 1, अनिश्चितता भरा विज्ञान। सो क्वांटम इज अ मिसअंडरस्टूड वर्ड आई थिंक। डॉक्टर साहिनी घोष कनाडा के विल्फ्रिड लॉरियर यूनिवर्सिटी में फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग समझें, उससे पहले शुरुआत करते हैं कि क्वांटम है क्या। इसकी चर्चा 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुई। ये वही वक्त था जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। अब तक फिजिक्स क्लासिकल थ्योरी पर आधारित था, जो वास्तविकता में हो रही घटनाओं की व्याख्या से जुड़ा था। इसके अनुसार ब्रह्मांड में चीजों का होना और उनका बदलना सब कुछ निश्चित है। All of that had to basically be set aside. इस जानकारी को एक तरफ रखकर आपको एक अलग सोच को मानना होगा कि शायद ब्रह्मांड में सब वैसा निर्धारित नहीं है जैसा हम मानते रहे हैं। हमें ये मानना होगा कि फिजिक्स के सिद्धांतों में मूलभूत अनिश्चितता है, और ये अनिश्चितता पदार्थ के सबसे नन्हे कण के अणु यानी एटम के व्यवहार में होती है। क्वांटम मैकेनिक्स इन छोटे अणुओं के व्यवहार का अध्ययन है, जिसे फिजिक्स की क्लासिकल थ्योरी के दायरे में रहकर समझना असंभव है। इस अनिश्चितता के बारे में वैज्ञानिक नील्स बोर ने कहा था कि हर वो चीज जिसे हम रियल मानते हैं, वो ऐसी चीजों से बनी है जिन्हें रियल नहीं कहा जा सकता। शायद यही वजह रही होगी कि आइंस्टाइन ने इसके बारे में कहा, ये सच हुई तो विज्ञान के तौर पर ये फिजिक्स का अंत होगा। One way that I try to describe it is when you look at coins. मैं इसे ऐसे समझने की कोशिश करती हूँ, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। सिक्का घुमाया जाए तो हेड आएगा या टेल, इसके चांसेस बराबर यानी प्रोबेबिलिटी 50-50 फीसदी होती है। फिजिक्स कहता है कि सिक्का घुमाते वक्त किसी एक वक्त में या तो वो हेड होता है या फिर टेल। लेकिन अगर हम इसे क्वांटम सिक्का माने तो सिक्का घुमाते वक्त किसी एक वक्त केवल हेड या टेल नहीं होता, बल्कि इसकी पहचान अनिश्चित होती है। एक क्वांटम सिक्के को आप दो साइड में सीमित नहीं कर सकते। आम सिक्के के मुकाबले इसमें कहीं अधिक अनिश्चितता होती है, यानी ये नॉन बाइनरी होते हैं। Yeah, so we call it superposition, meaning this idea of heads and tails. हम इसे superposition कहते हैं, यानी सिक्का घूमते वक्त एक वक्त में दोनों ही साइड एक साथ होते हैं, यानी एक वक्त में एक से अधिक संभावना होती है। ये हमारे अब तक के अनुभव से इतना अलग है कि इसे समझना आसान नहीं। इस सिद्धांत पर काम करने वाले वैज्ञानिक मानते हैं कि ये अनिश्चितता किसी चीज की प्रकृति है। डॉक्टर सोहिनी घोष कहती हैं कि यही क्वांटम कंप्यूटर्स की अवधारणा है जो उन्हें क्रांतिकारी बनाते हैं। Because it operates on completely different kinds of laws of physics, so it's sort of like ये तकनीक फिजिक्स के बिल्कुल अलग तरह के सिद्धांतों पर काम करती है। ये कुछ ऐसा है कि कार आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम ही करेगी, लेकिन ये विज्ञान के अलग सिद्धांतों पर आधारित होगा। पार्ट 2, क्वांटम कंप्यूटर्स खास क्यों।
principle, a classical computer can solve any computation that a quantum computer can. Professor Stephanie Wenner, Deft University of Technology में क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर चलाती हैं। वो बताती हैं कि क्वांटम कंप्यूटर आम कंप्यूटर से कैसे बेहतर है। So zero and ones are the way that we represent information in a एक आम कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को जीरो या वन में प्रोसेस करता है। अगर आप मुझे कोई वीडियो भेजते हैं तो कंप्यूटर उसे जीरो या वन की सीरीज के करोड़ों टुकड़ों में बांटकर मुझे भेजता है और उसे फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर मैं आपका भेजा वीडियो देख सकती हूँ। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर पर हम क्वांटम बीट्स में काम करते हैं। इसमें जीरो या वन के अलावा दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। ये सुपर पोजिशनिंग के कारण है जिसके बारे में हमने कुछ देर पहले बात की। असल में ये कैसे होता है ये जानने के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक भूल भुलैया में हैं और बाहर निकलने के लिए कंप्यूटर की मदद लेते हैं। On a classical computer that we use today, you would say, okay, let me try. आप अगर बाई तरफ जाना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर से पूछेंगे कि बाई तरफ जाने पर रास्ता मिलने की कितनी संभावना है। रास्ता ना मिला तो आप कंप्यूटर से दाई तरफ की संभावना तलाशने को कहेंगे। चूंकि क्वांटम कंप्यूटर में एक क्वांटम बीट जीरो और वन या कहें बाएं और दाएं एक साथ हो सकते हैं, आप एक साथ दोनों संभावनाएं तलाश सकते हैं। ये इतना सरल तो नहीं है, लेकिन ये आपको बताता है कि आम कंप्यूटर की तुलना में क्वांटम कंप्यूटर में कुछ सवालों के जवाब तेजी से ढूंढे जा सकते हैं, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर एक वक्त में कई संभावनाओं पर काम कर सकता है। ये सवाल उठ सकता है कि इस तरह के सुपर फास्ट कंप्यूटर मेडिसिन के क्षेत्र में क्या योगदान कर सकते हैं, क्या ये नई दवा बनाने में मदद कर सकते हैं? So one way of course you could do that is that you go into the lab and do a chemistry experiment. आप लैबोरेटरी में जाकर परीक्षण कर सकते हैं कि कोई केमिकल दवा बनाने में काम आ सकती है या नहीं। चूंकि इसमें वक्त लग सकता है, इसलिए लोग इस पर शोध करने की बजाय सिमुलेशन कर नई चीज के बारे में जानना चाहते हैं कि उसका इस्तेमाल सही होगा या नहीं। क्या आम कंप्यूटर ये काम कर सकता है? In principle, a classical computer can solve any computation. सैद्धांतिक तौर पर आम कंप्यूटर ऐसा हर काम कर सकता है जो एक क्वांटम कंप्यूटर कर सकता है। सवाल ये है कि इसमें वो कितना वक्त लेगा। क्वांटम कंप्यूटर में ये कुछ घंटों में हो जाएगा, जबकि आम कंप्यूटर को इसमें एक जन्म से भी अधिक वक्त लगेगा। मतलब ये कि दवा के शोध में क्वांटम कंप्यूटर्स नई क्रांति ला सकते हैं। ऐसे में इनकी मांग बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। पार्ट 3, कड़ी चुनौती। The way I got into this field is as a kid, I was a fan of Star Trek and my job. प्रोफेसर विनिफ्राइड हेंसिंगर, ससेक्स सेंटर ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजीज के निदेशक हैं। वो क्वांटम कंप्यूटर्स की तकनीक को हकीकत बनाना चाहते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स आर इन अ वे अ होली ग्रेल ऑफ साइंस बिकॉज़ ऑफ द ट्रेमेंडस। क्वांटम कंप्यूटर्स एक तरह से विज्ञान का सबसे अहम और सबसे गहरा रहस्य है। इसमें अद्भुत संभावनाएं हैं और ये अनेकों काम कर सकते हैं, लेकिन इन्हें बनाना उतनी ही मुश्किल चुनौती है, क्योंकि इसके लिए आपको सुपर पोजिशन जैसी प्रक्रिया पर नियंत्रण करना होगा जो लगभग असंभव है, और बिना ऐसा किए आप कंप्यूटेशन नहीं कर सकेंगे। बीते 3 दशकों से वैज्ञानिक ऐसा करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन अधिकांश इसमें सफल नहीं हो सके हैं। 2 physical platforms, however, delivered very amazing results. 2 प्लेटफॉर्म के नतीजे सकारात्मक आए थे। इनमें से एक है सुपर कंडक्टिंग सर्किट, जिसका इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट, IBM और गूगल क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए कर रहे हैं। ये एक खास तरह का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसका इस्तेमाल करने के लिए आपको इसे 250 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर ठंडा करना पड़ता है। एरर की गुंजाइश के बिना क्यूबिट बना पाना इस बात पर निर्भर करता है कि फ्रिज कितने बड़े माइक्रोचिप को ठंडा कर पाता है, और सुपर कंडक्टिंग सर्किट के साथ मुश्किल ये है कि बड़ा फ्रिज बनाना आसान नहीं। प्रोफेसर हेंसिंगर और उनकी टीम इस मुश्किल को हल करने की कोशिश में हैं। वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल आयन को ट्रैप करने का रास्ता अपना रहे हैं। आयन ऐसे अणु होते हैं जिनमें कम इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। Trapped ions can be used at room temperature. So this is a technology
आयन को अलग किया जाए तो इन्हें सामान्य तापमान पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तकनीक में आप ऐसे माइक्रोचिप का इस्तेमाल करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। इसके कारण माइक्रोचिप के ऊपर चार्ज्ड आयन हवा में तैरने लगते हैं। हर आयन एक क्वांटम बिट की तरह काम करता है। इसमें जीरो या वन की जानकारी को स्टोर किया जा सकता है। ऐसे अनेकों आयन बनाए जाते हैं और इनके जरिए क्वांटम कंप्यूटिंग हो सकती है। ये साफ है कि ये तकनीक आम इस्तेमाल के लिए जल्द उपलब्ध नहीं होने वाली, लेकिन जिन मशीनों पर ये काम होता है वो दिखाई कैसी देती है? ये बड़े आकार के होते हैं। आप कह सकते हैं कि ये दुनिया के सबसे पहले कंप्यूटर से कुछ ही मीटर छोटे हैं जो वैक्यूम ट्यूब सिस्टम आधारित थे। इनमें लेजर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिकल सिस्टम होता है। ये साइंस फिक्शन फिल्म में दिखाई जाने वाली फ्यूचरिस्टिक मशीनों की तरह दिखते हैं। प्रोफेसर हेंसिंगर और उनकी टीम अब तक क्वांटम कंप्यूटर के 5 प्रोटोटाइप बना चुकी है, लेकिन दवा बनाने जैसे काम के लिए उन्हें बड़ी तादाद में क्यूबिट चाहिए। ऐसे में वो बड़े पैमाने पर क्यूबिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। This is indeed one of the biggest challenges right now when working on quantum computation. क्वांटम कंप्यूटर्स के इस्तेमाल को लेकर यह सबसे बड़ी चुनौती है। दुनिया भर में अभी जो क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए जा रहे हैं वो कम क्यूबिट्स बना पा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम 10-20 क्यूबिट बनाने की बजाय हजारों लाखों क्यूबिट बना सकें। पार्ट 4, क्वांटम कंप्यूटर्स की रेस्क्यू। If I built a quantum computer now, I could bring the entire internet down in 3 days. Jonathan Dowling, Louisiana University में प्रोफेसर थे। उन्होंने लंबे वक्त तक क्वांटम कंप्यूटर्स की क्षमता पर काम किया। जून 2020 में अपनी मौत से पहले बीबीसी से हुई बातचीत में उन्होंने कहा था, There is a race to build the first quantum computer. This is क्वांटम कंप्यूटर बनाने को लेकर मुल्कों में होड़ है और ये स्पेस रेस की ही तरह है। ये डेटा सुरक्षित रखने की रेस है। निजी डेटा, कंपनियों का, सेना का और सरकारों का डेटा सुरक्षित रखने की। डेटा ताकत है और अब मुल्कों को इस बात का एहसास होने लगा है कि इस मामले में वो जोखिम में हो सकते हैं। 2013 में अमरीकी इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडन ने सरकार से जुड़े कई खुफिया दस्तावेजों को लीक कर दिया। इन दस्तावेजों से ये बात सामने आई कि अमरीका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी किस हद तक दूसरों के कम्युनिकेशन नेटवर्क में सेंधमारी कर सकती है। एडवर्ड स्नोडन लीक्स सरप्राइज द चाइनीज दैट यू नो एडवर्ड स्नोडन के लीक ने चीनियों को हैरान कर दिया कि कम्युनिकेशन नेटवर्क में सेंध लगाने में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी उसकी सोच से कहीं आगे है। उन्हें ये भी चिंता थी कि अमेरिकी पहले क्वांटम कंप्यूटर बना लेंगे। ऐसा हुआ तो अमेरिका चीन की खुफिया जानकारी पढ़ सकेगा, लेकिन चीन को अपने सीक्रेट्स पढ़ने से रोक सकेगा? ऐसा कैसे? There are always three players, Alice and Bob, who are trying to communicate. मान लीजिए कि बॉब एलिस को खुफिया संदेश भेजना चाहता है और ईव इनके कम्युनिकेशन चैनल में सेंध लगाना चाहती हैं। फिलहाल सुरक्षित संदेश भेजने के लिए पब्लिक की एनक्रिप्शन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। बॉब संदेश पर ताला लगाकर एलिस को भेजता है। इस ताले की चाबी केवल एलिस के पास है और वही इसे खोल सकती है। पब्लिक की सुरक्षा की अवधारणा ये होती है कि इसे हैक करने में एक आम कंप्यूटर को सैकड़ों सालों का वक्त लगता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर इसे कुछ घंटों में हैक कर सकता है। सुनने में ये डरावना लगता है, लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी है और वो ये कि अगर आप क्वांटम की का इस्तेमाल करते हैं तो क्वांटम कंप्यूटर भी इसे हैक नहीं कर पाएंगे और यह संभव होगा सुपर पोजिशनिंग के कारण। अगर क्वांटम की को हैक करने की कोशिश की गई तो उसमें दर्ज जानकारी अपने आप नष्ट हो जाएगी और भेजने वाले को इसका पता चल जाएगा। That's quantum mechanics. You look at it and it's gone. क्वांटम कंप्यूटर्स के जरिए कम्युनिकेशन पूरी तरह सुरक्षित होगा। इसे बनाने की होड़ के पीछे यही वजह है। जोनाथन डाउलिंग ने बताया कि चीन इस तकनीक में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अमेरिका और दूसरे देश भी इस तकनीक में बढ़ चढ़कर निवेश कर रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के सामने चुनौती इस तकनीक को हकीकत में बदलने की और इस पर बड़े पैमाने पर काम करने की है। आइए लौटते हैं अपने सवाल पर। क्वांटम कंप्यूटर बनाने की रेस में
क्यों है देश? ये भविष्य है सुरक्षा का, अर्थव्यवस्था का और शोध का, लेकिन क्वांटम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी यानी एटम के अनिश्चित व्यवहार के कारण इन बेहद ताकतवर मशीनों को बनाना कड़ी चुनौती है। कई देश इस तकनीक पर काबू पाने की रेस में हैं। जोनाथन कहते हैं कि ये रेस कहां जा रही है इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन ये अपने आप में रोमांच पैदा करने वाला है।